शराब दुकान खोलने को लेकर राजनीति जारी है। चुनिंदा दुकानों का विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें, 1 अप्रैल से शराब की कुछ दुकानों का स्थान बदला गया है। ठेकेदारों के बदलते ही राजनीति भी हावी हो गई। पुराने ठेकेदारों का ठेका समाप्त होते ही नए ठेकेदार मैदान में उतरे तो पिछले ठेकेदार के समर्थित दुकानों का विरोध भाजपा के लोगों ने शुरू कर दिया। अब जमकर हुई थू-थू के बाद अब भाजपाइयों ने महिला नेत्रियों को सामने कर दिया है। पीटीएस चौराहे और उर्राहट की दुकान का ज़्यादातर विरोध किया जा रहा है। हालांकि बीती रात प्रशासन ने एटीएस में स्थानीय लोगों की सहमत से दुकान खोल दिया और उर्राहट की दुकान में भाजपा नेत्री विमलेश के द्वारा लगातार महिलाओं को आगे कर विरोध किया जा रहा है। सोमवार को पहले पहुंचे पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग के अधिकारियों ने समझाइश दी, लेकिन जब महिलाएं नहीं मानी तो एसडीएम के नेतृत्व में पहुंचा महिला पुलिस बल ने महिलाओं को हटा दिया। महिला नेत्री ने एसडीएम और डीएसपी को राखी बांधकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी। जब महिलाओं से पूछा गया कि भाजपा सरकार में भाजपा के आदेश के बाद भी उसी के आदेश का विरोध कर रही हैं, तो महिलाओं ने कहा कि यह हमारे मोहल्ले में अपनी सुरक्षा की दृष्टि से प्रदर्शन है। आपको बता दें कि भाजपा के नेता उन्हें जगह पर विरोध कर रहे हैं जहां पूर्व ठेकेदार के समर्थित हैं। आइए दिखाते हैं पूरी घटना और सुनाते हैं एसडीएम और आंदोलन कर रही महिला नेत्री ने क्या कहा। भाग क्यों रहे हैं? बहनों की रक्षा करिए ना, क्यों भाग रहे हैं? ना डर गए? रक्षा नहीं करने, रक्षा करने का निर्णय बना रहे हैं। राखी बंधवाइए। हम लोग तो गलत कंप्लेंट करते थे, लेकिन हम लोग कभी नहीं बोलते थे। क्यों नहीं बोलते? यहाँ पे हो जाएगा सर, तो हम लोग क्या होगा? क्यों नहीं बोलते थे भाई? जब आप बोलते हैं आप मदद नहीं कर रहे। आप लोग तो बच्चे नहीं है, कोई नहीं मार रहा है। झूमा जट्टी, हम लोग यहाँ दुकान के सामने से हट नहीं रहे थे। यहाँ के अधिकारी प्रशासन का सुबह से कल से लगा हुआ है कि आप लोग हटिए। हम लोग बोले हम लोग अपने जगह से नहीं हटेंगे, यहाँ पे हम लोग अपनी रक्षा के लिए बैठे हैं। यहाँ तक उनका एहसास दिलाने के लिए कि भाई बहन का रिश्ता क्या होता है। मैंने राखी भी मंगवाई कि सर आपको मैं राखी बांधती हूँ, आप मेरी रक्षा की गारंटी लीजिए, तो भाग गए। उनकी नीयत पे खोट था, इसलिए उन्होंने राखी नहीं बंधवाई। ये राखी बंधवा लेते कि हाँ मैडम, हाँ बहन जी, मैं आपकी राखी बंधवाते। एसडीएम साहब की राखी बांध रही थी, इन्होंने छीना झपटी से भाग गए। इनकी नीयत खराब है, इनकी विरोध हमने किया। शराब की दुकान यहाँ पे नहीं खुलेगी, ठीक है? यहाँ ठीक है, मतलब दारू का ठेका खुलने वाला है। हमका यहाँ पे हमारी जगह है, घर, हम लोग निवासी हैं। बगल में गुप्ता जी का घर है। हम लोग बोले यहाँ पे जगह, इसलिए बहन बेटी सुरक्षा नहीं है, सुरक्षित नहीं, इसलिए यहाँ पे शराब की दुकान नहीं खुलेगी। उसी सरकार की आप
सदस्य हैं और इसके बावजूद भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही और दारू की दुकान खुली जा रही है, मैंने तो आप विरोध इस तरह से कर रहे हैं, बजट क्या है? मैंने भाजपा सरकार से कोई वो नहीं किया, भाजपा सरकार को तक सूचना तक नहीं दी। मैं सोचू मैं यहाँ के मोहल्ला वासियों के साथ मोहल्ले से लड़ू, मेरा राजनीति का कोई नाम भी नहीं बताई कि मैं कौन हूँ। मैं सोचू मोहल्ले वासी से हूँ, मोहल्ले की लड़ाई स्वयं लड़ूँ और मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने अति कर दी। ये सर प्रशासन हम लोग के सुरक्षा के होते रहे कि सुरक्षा नहीं, हम लोग के तो गला घोट रहे हैं, हम लोग के साथ छीड़ा झपटी किए हैं महिलाओं के साथ। पूरी प्रशासन समाटी आई, SP कलेक्टर ये सॉरी कलेक्टर साहब तो नहीं थे, SP DSP यहाँ पे सभी लोग थे, आबकारी विभाग के थे, सब लोग ने महिलाओं के साथ छीना झपटी की है। तब तक पांडे कांग्रेस की नहीं आई होती तो आप तो जिस तरह से ले जाया जा रहा था, तो क्या आप भाजपा में होने के बावजूद भी आपको इस तरह? कविता पांडे दीदी आई उनका मैं धन्यवाद करती हूँ, लेकिन भाजपा वालों के यहाँ पे कोई नहीं, भाजपा वालों को मैंने सूचना नहीं दी है। हाँ, यहाँ के प्रशासन की गलती है, मैं यही गलती कर बैठी कि मैं अपने भाजपा वालों को सूचना नहीं दी हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता सिंह पटेल है, मैं पूर्व में जिला पंचायत सदस्य थी देवतला विधानसभा से, अभी जिले की महिला मोर्चे के उपाध्यक्ष हूँ। अपने मैं जिला अध्यक्ष को भी सूचित नहीं की हुई, मैं यहाँ पे हमारे साथ हापत आई हो रही है। इसमें अभी जो देखिए हम लोग मौके पे उपस्थित हैं, हम लोगों ने कल भी रात में बात की थी, अभी भी बात की है, और महिलाओं का कहना है कि जिस स्थान पर दुकान खुल रही है ये गलत जगह है। बेसिकली ये जगह जो पुरानी दुकान है जो काफ़ी वर्षों से चल रही है उससे मुश्किल से 10 मीटर पर दूरी पर है, और ये कॉन्ट्रैक्ट और दुकान का जो ऑनर होता है उसके बीच में आपसी समझौते के तहत दुकान चिन्हित होती है। हम लोगों ने क्षेत्र निर्धारित किया था कि उरहट में दुकान खुलनी चाहिए, तो जो पुरानी दुकान है उसे 10 मीटर की दूरी पर खुल रही थी दुकान, और महिलाओं का जो विरोध है इस बात को लेके कि महिलाएं गली से उसी गली से निकलती हैं, तो हम लोगों ने इसका भी प्रबंधन कर लिया है कि यहाँ पर किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर ना हो, कभी ऐसी घटना ना हो। और पुरानी दुकान को लेके भी किसी तरह का विरोध नहीं समझ में आता था, और नई दुकान जो खुल रही है इसको लेके कुछ ऐसे लोग समझ में आ रहे हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे होंगे कि महिलाएं यहाँ पर पिछले कई घंटों से बैठी हैं, और हम लोगों के बार बार निवेदन करने पर भी वो नहीं जा रही थी, इसलिए इनको लेके थोड़ी सी हम लोगों ने इनसे निवेदन भी किया, कई बार बात भी करी, लेकिन ये उठ नहीं रही हैं। इनसे बार बार हम निवेदन भी कर रहे हैं कि यदि उठ जाती हैं, और हम इस इन्होंने कमिश्नर सर को भी ज्ञापन दिया है, तो हमने कहा भाई ज्ञापन देने के माध्यम से आप ही अपनी बात ऊपर तक पहुँचा सकते हैं कि जो दुकान है ये गलत स्थान पर है। देखा जा रहा है कि रहायशी इलाका है, बगल में दुकान के बगल में, देखिए पूरे शहर में जितनी भी दुकानें, शहर में जो भी दुकानें, और ऐसा केवल यहाँ पर नहीं है, शहर में जो दुकानें खुल रही हैं सब जगह पर वो रिहायशी क्षेत्र के आसपास है। जो हम लोग की गाइडलाइन है जो आबकारी नियमों के अनुसार होनी चाहिए वो गाइडलाइन का हम लोग पालन कर रहे हैं। अब इन लोगों ने वैसा महिमा मंडन करने का प्रयास किया है, कुछ ऐसा माहौल बना रहे थे। देखिए सुरक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर हमेशा पर उपस्थित हैं, पुलिस प्रशासन हमेशा सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है, और निश्चित रूप से हम लोग इनकी सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर। और व्यापारी के लिए क्या है आपका विरोध के बाद, तो इसका स्थान कहाँ? नहीं अभी तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो स्थान, क्योंकि ये पुरानी दुकान से 10 मीटर की दूरी पर है, तो यहीं पर दुकान खुलेगी।